हेलो, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। वीडियो को 2 मिनट के लिए स्किप मत करना, 2 मिनट के लिए स्किप मत करना वीडियो को, ठीक है। सभी के लिए एग्जाम है तो विशेष संदेश मैं यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ। जैसा कि बहुत सारे हमारे जो प्रिय छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके आप आज रीट का एग्ज़ाम है, बहुत सारे छात्रों के कल एग्ज़ाम है। तो साथियों, 1-2 महीने वीडियो डाले हैं कल के जो एग्ज़ाम है उनके लिए, आज भी देखेंगे छात्र, और जिनके आज एग्ज़ाम है वो भी इस वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। साथियों, फर्स्ट रिवीजन करने वाले हैं मनोविज्ञान के पेपर का, पूरे 30 प्रश्न हैं। बता दूँ आपको कि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल, यूँ मान लीजिए बिल्कुल एग्ज़ाम आपके नज़दीक के एग्ज़ाम आ ही गया है, एग्ज़ाम ये ही आपके, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के हमारे माइंड में एक दिमाग में डर हमारे बैठ रहा है कि ऐसा नहीं हो कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मुझे तो मैंने इतने दिन से कुछ पढ़ाई ही नहीं की है, मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझसे पात्रता परीक्षा ही पास ना हो, ऐसे विचार अपने माइंड में आ रहे हैं। बट ये स्वाभाविक चीज़ें हैं साथियों, ये आपके ही माइंड में नहीं, ये सभी के माइंड में आ रहे हैं कि जाने कैसा पेपर आएगा, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है ज़्यादा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जो हमने तैयारी की है क्वेश्चन उन्हीं में से आने वाले हैं, या उन्हीं में से नहीं आए तो वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं जिनको आप आसानी से हल कर सकते हो। बिल्कुल निश्चिंत होकर के एग्ज़ाम दीजिए साथियों, लेवल फर्स्ट से आपका जो एग्ज़ाम है सुबह का, आराम से एग्ज़ाम दीजिए। 90+ क्वेश्चन होने की गारंटी मेरी, आपके आराम से 90+ क्वेश्चन राइट होंगे आराम से, क्योंकि हमारी तैयारी बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन तैयारी थी। लेवल 2 में भी 90+ क्वेश्चन सभी के होने वाले हैं जिन्होंने हमसे जुड़कर तैयारी की है। जिन्होंने हमसे जुड़कर तैयारी नहीं की है उनके भी बिल्कुल ईश्वर अच्छे नंबर लाने में उनकी बिल्कुल मदद करें, उनकी मेहनत है सभी की। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए, तैयारी के बिल्कुल निश्चिंत होकर के एग्ज़ाम दीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पात्रता परीक्षा बड़े आराम से आप पास कर जाओगे। 2021 के पैटर्न के आसपास ही आपका ये पेपर लगभग रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 2021 जैसा ही रहेगा, हो सकता है थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए क्योंकि पात्रता परीक्षा में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है। तो एग्ज़ाम देने के बाद में वापस वीडियो पर आइएगा, कमेंट करिएगा किस प्रकार से आपका पेपर आया है, क्योंकि इस बार प्रश्न पत्र तो दिए नहीं जाएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, बिल्कुल आराम से टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल छोड़ करके जाओ साथियों और आराम से पेपर दो। और 2-3 चीज़ें याद रखिएगा, सेंटर पर पहुंच जाना, बिल्कुल पहले ही पहुंच जाना, समय से पहले ही, और साथ में आपका जो आधार कार्ड ओरिजिनल है चेक कर ले आराम से कि आधार कार्ड लेकर आए नहीं आए, उसकी फोटोकॉपी, 2 पेन, पारदर्शी पेन, पारदर्शी मतलब जिसमें आप आर पार देख सको ऐसा पेन भी आपके पास होना चाहिए, और जो आप OMR शीट भरते हो उसको भरते समय भी विशेष ध्यान आपको देना है, OMR शीट भरते समय भी आपको विशेष ध्यान देना है, कहीं रोल नंबर वगैरह इसकी में गलती तो नहीं करनी है, बिल्कुल भी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक चीज़ और, जो आप प्रश्न हल करते हो तो तुरंत उसका गोला भी साथ साथ में भरना है, प्रश्न को हल करने के बाद में उसका गोला भी साथ साथ भरना है। हो सकता है 5-10 प्रश्न करके भी आप गोले भर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर पढ़ लिया, चिन्ह लगा लिया, फिर गोले भर रहे हो, वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गद्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का उसके वातावरण से अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है, यह कथन किसका है? आल्पोर्ट का, शेल्डन का, वुडवर्थ का और गिलफोर्ड का। तो प्रश्न संख्या 1 में राइट आंसर देना है साथियों, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा, देख लीजिए अच्छे से। परिभाषा पूछी गई है व्यक्तित्व की, और ये जो परिभाषा है कम से कम यूँ मानो 5 से 7 एग्ज़ाम में पिछले कुछ सालों में ही पूछ ली गई है शिक्षक भर्तियों में, मतलब व्यक्तित्व की ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उपरोक्त परिभाषा को आल्पोर्ट के द्वारा दिया गया है साथियों, किसके द्वारा? आल्पोर्ट के द्वारा। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। देखो आल्पोर्ट, जब मैंने आपको व्यक्तित्व पढ़ाया था तो मैंने बता दिया था कि मनोदैहिक व्यवस्था का गत्यात्मक संगठन, गत्यात्मक संगठन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का, इस लाइन को याद रख लेना, ये सिर्फ आल्पोर्ट ने कहा है, ठीक है। तो प्रथम विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे आएंगे, दूसरा क्वेश्चन साथियों। प्रश्न संख्या 2 है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, समझना प्रश्न को, आसानी से कर सकते हो अगर समझोगे तो। श्याम पारिवारिक समूहनों में रहना पसंद नहीं करता है, परंतु उसकी माँ उसे इसमें आने के लिए कहती है,
वह झूठ बोलने का फैसला करता है कि उस दिन उसकी परीक्षा है, परंतु वास्तव में उस दिन उसकी परीक्षा निर्धारित हो जाती है, जो कि उसे बहुत अप्रिय लगती है। शाम क्या अनुभव कर रहा है? दोहरा परिहार द्वंद्व, दोहरा अप्रोच द्वंद्व, दोहरा परिहार उपागम द्वंद्व, दोहरा उपागम परिहार द्वंद्व। तो बताइए प्रश्न संख्या दो में भाई, श्याम के मन में जो द्वंद्व चल रहा है उसका प्रकार यहाँ पर पूछा है आपसे प्रश्न दो में। और साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर है आपके दोहरा परिहार द्वंद्व। कैसे रहेगा दोहरा परिहार द्वंद्व? देखिएगा, दोहरा परिहार का मतलब होता है परिहार परिहार द्वंद्व। दोहरा परिहार का मतलब क्या होता है? परिहार परिहार द्वंद्व, मतलब जिसमें हम दोनों चीज़ों को नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ करनी पड़ेगी, तो वो दोहरा परिहार द्वंद्व है। तो देखो, समझते हैं प्रश्न को। श्याम पारिवारिक समूहनों में रहना पसंद नहीं करता, मतलब जो उसके उसका परिवार है वहाँ का जो समूह है, ठीक है, उस समूह में रहना वो पसंद नहीं करता। उसकी माँ कहती है कि भाई आ जा यहीं पे, ठीक है, परिवार में ही रहना, यहाँ पे आ जा। वो झूठ बोल के क्या कहता है? वो झूठ बोलने का फैसला करता है कि नहीं, मैं तो उस दिन नहीं आऊँगा, मेरा तो पेपर है उस दिन। लेकिन वास्तव में उस दिन उसका पेपर फिक्स हो जाता है, और वो पेपर उसे कैसा लगता है? अप्रिय, मतलब बहुत ख़राब। तो इधर पेपर आ गया जो खराब लगता है, उधर परिवार में बुला रहे हैं जो खराब लगता है, तो फिर ऐसी स्थिति को ही दोहरा परिहार द्वंद्व या परिहार परिहार द्वंद्व के नाम से जाना जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीन पर, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिएगा, व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष के संदर्भ में निम्न में से आवश्यक है: अभ्यास, सृजनात्मकता, पुरस्कार, उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमता। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा कि भाई कौन सा विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो दीजिए आंसर कि भाई कौन सा लगाओगे आप, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। तो राइट आंसर है साथियों आपके विकल्प नंबर ए, अभ्यास। कैसे है पहला आंसर राइट? क्योंकि क्रियात्मक पक्ष का संबंध क्रिया की जा रही है, ठीक है। क्रियात्मक पक्ष में क्या होता है? अभ्यास की जरूरत होती है साथियों। आप किसी काम को करते हो तो फिर वहाँ पर अभ्यास क्रियात्मक रूप है ना उसका, उसका बौद्धिक रूप तो है नहीं, क्रियात्मक है, तो फिर उसमें अभ्यास अति आवश्यक माना जाता है। विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न तीन में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर चार पर। तो चलिए देख लेते हैं आपके चौथे क्वेश्चन को, आपके प्रश्न संख्या चार। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता व काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यकरण, अनुक्रिया सामान्यकरण और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, चौथे क्वेश्चन में जो सही आंसर है, जीन पियाजे के सिद्धांत से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कहेंगे उद्दीपक सामान्यकरण। क्यों कहेंगे? क्योंकि बालक काली गाय से डरता है, काला कुत्ता जो होता है उससे डरता है, काली वस्तुओं से डरता है। तो मतलब जो काला रंग की जो भी चीज़ें हैं उसका एक अनुबंधन हो गया है उन उद्दीपकों से। तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में उन उद्दीपकों का क्या हुआ? सामान्यकरण हुआ। सामान्यकरण मतलब वो विभेद नहीं कर पा रहा है कि भाई वास्तव में डरना किससे है। तो फिर ऐसी स्थिति को ही उद्दीपक सामान्यकरण के नाम से जाना जाता है। उद्दीपक विभेदीकरण की योग्यता उसमें नहीं है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न चार में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर पांच को देखेंगे साथियों, पांचवा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर पांच है, निम्न में से किसमें न्यूनतम अवधान की आवश्यकता होती है? आदत में, अधिगम में, संप्रत्य निर्माण में और समस्या के समाधान में। तो देखो, न्यूनतम अवधान, अवधान का मतलब होता है ध्यान केंद्रण। तो सबसे कम ध्यान केंद्रण की आवश्यकता किसमें होती है? तो साथियों राइट आंसर है, सबसे कम ध्यान केंद्रण की आवश्यकता आदत में होती है। किसमें होती है? आदत में। जब हमारी कोई चीज़ या कोई क्रिया करने की आदत डल जाती है तो फिर उसमें हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नई कार सीखता है या फिर नई बाइक को चलाना सीखता है, तो शुरू शुरू में जब वो सीखेगा तो वो तो अधिगम हो रहा है, ठीक है, शुरू शुरू में सीख रहा है तो वो तो क्या हो रहा है? अधिगम। तो एक बार तो वो जैसे गियर उसमें डालेगा तो पहले गियर को देखेगा,
फिर जैसे ब्रेक लगाएगा तो एक बार नीचे देखेगा कि भाई हाँ ब्रेक लगाना है, तो इस प्रकार होता है। लेकिन जब हम उस चीज़ को अच्छे से सीख जाते हैं, हमारी आदत वहाँ पर हो जाती है, तो फिर हम यूँ नहीं देखते हैं कि भाई यार ब्रेक कहाँ है, गियर कहाँ है, ध्यान बिल्कुल भी नहीं, ऑटोमेटिक वहीं पर हमारा पैर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी आदत उस चीज़ की हो चुकी है। तो फिर आदत में सबसे कम अवधान या ध्यान केंद्रण की आवश्यकता होती है। पहला जो विकल्प है आपके वो सही है प्रश्न 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। छठा क्वेश्चन है, बुद्धि में वैयक्तिक विभिन्नताएं किस कारण से होती है? केवल जैविक कारक से, केवल वातावरणीय कारक से, जैविक एवं आर्थिक कारक से, और जैविक एवं वातावरणीय कारक से। तो देखो, आपने देखा होगा कि भाई अलग अलग बुद्धि के लोग होते हैं, सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता कुछ ना कुछ जरूर पाई जाती है। तो ये क्यों पाई जाती है? तो साथियों, राइट आंसर है छठे क्वेश्चन में, बुद्धि में जो वैयक्तिक विभिन्नताएं होती है ये जैविक और वातावरणीय, आर्थिक नहीं है ये, ठीक है, यहाँ आर्थिक की वजह से गलत है, ये केवल वातावरण पे जोर दे रहा है, ये केवल जैविक रूप से बता रहा है। तो दोनों का मिक्स है, किसका? वातावरण का और जैविक। तो जैविक भी कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं, और हमारे आसपास के जो वातावरणीय कारक हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो चलिए 7वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दूसरा विकल्प है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तीसरा विकल्प है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। और चौथा विकल्प है अधिगम के लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, इस प्रकार से टाइप किया था, टाइपिंग मिस्टेक है ना। तो देखो, प्रश्न संख्या 7 में सही आंसर का चयन आपको करना है, और इसका जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। साथियों, अभिवृद्धि को अधिगम नहीं कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का भार बढ़ा, मतलब वजन बढ़ा, किसी की लंबाई बढ़ी, तो क्या इसको हम अधिगम कहेंगे? नहीं, ये तो अभिवृद्धि है, ये तो आनी ही है, तो साथियों फिर इसको हम अधिगम नहीं कह सकते। तो थर्ड विकल्प आपके सही है प्रश्न 7 में। बाकी जो विकल्प है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया भी है, तो यहाँ पर ये थर्ड विकल्प देखो अभिवृद्धि बिल्कुल ही गलत हो गया, इसलिए थर्ड विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 पर। देखो, 8वां क्वेश्चन, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? शाही डब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, और मूल्यांकन मापनी। देखो, मार्गन एवं मुर्रे के द्वारा एक परीक्षण का निर्माण किया गया था, और वो जो परीक्षण था व्यक्तित्व से संबंधित वो परीक्षण था। साथियों, इस परीक्षण का निर्माण करके इन्होंने इतिहास रचा था, और उस परीक्षण को हम विषय आत्मबोधन परीक्षण कहते हैं, जिसको शॉर्ट में इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेट। क्या कहा जाता है उसको? TAT कहा जाता है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9 को। तो 9वां प्रश्न, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवस्था के अंतर्गत बालक में लैंगिकता सुषुप्त हो जाती है? ओरल अवस्था, एनल अवस्था, फेलिक अवस्था, और लेटेंसी अवस्था। देखो, सुषुप्त, सुषुप्त का मतलब क्या होता है? उसमें काम भावना नहीं पाई जाएगी, यूँ मान लो आप। तो काम भावना कौन सी अवस्था में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है? बाल्यावस्था में नहीं पाई जाती। अब बाल्यावस्था की जो अवधि इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोलैंगिक सिद्धांत में बताई है उसका चयन करना है, और वही आपका आंसर रहेगा। तो बताइए 9वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों। तो देखो, प्रश्न संख्या 9 में जो राइट आंसर है वो रहेगा लेटेंसी अवस्था। लेटेंसी अवस्था का मतलब क्या होता है? सुसुप्ता अवस्था होता है साथियों, जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है, इसमें काम भावना नहीं पाई जाती है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। तो देखो, आपके 10वां जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से मूल प्रत्ययों की विशेषता नहीं है। मूल प्रत्ययों का नाम सभी ने सुन ही रखा होगा साथियों, मूल प्रत्ययों की विशेषता क्या नहीं है? मूल प्रत्ययां सदैव बनी रहती है, पहली विशेषता। मूल प्रत्यय बिना सीखी हुई क्रिया है, दूसरी विशेषता। मूल प्रत्ययों से सामाजिक गुणों का विकास होता है, तीसरी विशेषता। और मूल प्रत्ययों को विशेष विधियों से नष्ट किया जा सकता है, चौथी विशेषता। देखो, इन 4 विशेषताओं में से भाई आपके
उस विशेषता को छांटना है जो कि मूल प्रतियों की विशेषता में नहीं आता है साथियों। तो 10वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 4, मूल प्रतियों को विशेष विधियों से नष्ट किया जा सकता है। ये गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि आप मूल प्रतियों को नष्ट नहीं कर सकते। जैसे एक मूल प्रति का हम उदाहरण लेते हैं, जैसे एक है भई, भई संवेग उत्पन्न होता है तो हम क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो ये पलायन करना क्या है, हमारी मूल प्रति। तो जब भी भय उत्पन्न होगा हम पलायन जरूर करेंगे साथियों, वहां पर आप उसको नष्ट नहीं कर सकते हो। देखो और भी कई सारी, जैसे भूख लग रही है हमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भोजन करेंगे। अब भूख लग रही है तो आप कह दोगे नहीं मैं तो नहीं करूंगा भोजन, ऐसा कर सकते हो? नहीं, कब तक नहीं करोगे, उसको नष्ट नहीं कर सकते हो आप। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है वो सही है। मूल प्रत्ययों को सामाजिक, मूल प्रत्ययों से सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। बिना सीखी हुई क्रिया है, ऑटोमेटिक जन्म से होता है साथियों ये, ठीक है। मूल प्रत्यय सदैव बनी भी रहती है, इसलिए ये विकल्प तो सही है, लेकिन चौथा विकल्प आपके सही नहीं है और ये आपसे पूछा था। तो विकल्प नंबर 4 तो आपके 10वें क्वेश्चन में है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं चलाया गया? पर्यावरण को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, सतत व समग्र मूल्यांकन का विचार प्रस्तुत किया गया, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई और शिक्षा को बोझ रहित करने का विचार दिया गया। तो साथियों NEP, ठीक है, न्यू एजुकेशन, सॉरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 की, इसके अंतर्गत पर्यावरण को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया था, सतत व समग्र मूल्यांकन का विचार 1986 ने ही सबसे पहले दिया था, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना भी की गई थी इसी के माध्यम से सबसे पहले, लेकिन शिक्षा को बोझ रहित करने का विचार सबसे पहले प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1993 के अंतर्गत दिया गया था साथियों, इसलिए ये जो विकल्प है ये 1986 की नीति का नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है। बाकी जो बोझ रहित शिक्षा है 1993 में तो ये विचार आया था, इसको देने वाले भी कौन थे, प्रोग्राम ऑफ एक्शन में, ठीक। लेकिन जो NCF 2005 है इन्होंने इस सूत्र को ही आधार बना लिया था, भाई करके सीखना, बोझ रहित शिक्षा, तो लर्निंग विदाउट बर्डन। तो 4th विकल्प आपके सही है 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं, 12वां क्वेश्चन। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम और 100 से कम। तो देखो यहाँ सिर्फ सिरिल बर्ट के अनुसार ही बतानी है अब आपको, अब आप सामान्य रूप से नहीं बता सकते। भाई जो सिरिल बर्ट ने बताया है कि भाई जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो इन्होंने कहा है 85 से कम। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं, तो 13वां क्वेश्चन देखेंगे आप। आपके 13वां क्वेश्चन, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रश्नों के जवाब जानना चाहते हैं, पियाजे ने इसे अंतर ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है, पूर्व संचालन, साकार संचालन, औपचारिक संचालन और इनमें से कोई नहीं। देखो भाई जीन पियाजे का अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 4 अवस्थाओं से लेस है, मतलब इसमें 4 अवस्थाएं बताई गई है जिसमें पूर्व संचालन, साकार संचालन, औपचारिक संचालन 3 विकल्प में है और एक होती है संवेदी पेशी अवस्था। लेकिन यहाँ पर अंतर ज्ञान का जो गुण है वो कौन सी अवस्था की विशेषता बताई है इन्होंने, 13वें क्वेश्चन में आपको यही देखना है। और इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है साथियों कि एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क करना शुरू कर देते हैं, सभी प्रश्नों के जवाब वो जानना चाहते हैं, पियाजे ने क्या कहा उसे अंतर्ज्ञान। तो इस अवस्था को इन्होंने साकार संचालन कहा है। क्या कहा है, साकार संचालन, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से इसको बताया है, जिसकी अवधि 7 वर्ष से लेकर 11-12 वर्ष तक की होती है साथियों। तो सेकंड विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर, 14वां प्रश्न।
प्रश्न नंबर 14 है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वह खेलने चले जाते हैं, जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण और उदात्तीकरण। तो देखो, ये जो समायोजन की युक्तियां हैं उन युक्तियों से प्रश्न है। समायोजन की जो अप्रत्यक्ष विधियां होती है तो उसी में से आपसे प्रश्न पूछा गया है, और 14वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2, विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि भाई दूसरे पर, ठीक है, दूसरे पर, वहाँ पर एक जो अपने से कमज़ोर पक्ष है उस पर हम अपना गुस्सा निकाल देते हैं। तो यहाँ पर बालकों को गुस्सा आ रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं? खेलने। कब तक खेलते हैं? जब तक अच्छा महसूस नहीं करते, तो गुस्सा वो सारा खेल में निकाल देते हैं। तो इस प्रकार साथियों, ये विस्थापन का उदाहरण है। सेकंड विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे, 15वां क्वेश्चन। स्कीमा का मतलब है खंडन क्रिया विधि, अधिगम क्रिया विधि, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना और शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। तो देखो, स्कीमा का मतलब इनमें से किससे लिया जाएगा? लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना ही स्कीमा कहलाता है। तो विकल्प नंबर आपके 3 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। स्कीमा ज्ञान की संरचनात्मक इकाई भी होती है साथियों, और इसके कई सारी डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों की शिक्षा के लिए, प्रतिभावान व निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए, और इनमें से सभी। तो देखो, पृथक कक्षाएं, इसका प्रयोग तो आप निम्न और प्रतिभाशाली दोनों के लिए कर सकते हो, लेकिन संवर्धन जो कार्यक्रम होते हैं साथियों, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही किया जाता है। इसलिए आपके पहला विकल्प सही है, पृथक कक्षाओं व संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए किया जाता है, न कि निम्न उपलब्धि वाले बालकों के लिए। क्योंकि संवर्धन कक्षाओं में क्या होता है, विद्यार्थियों को सीखने के बहुत ही अच्छे अवसर प्रदान किए जाते हैं, उनकी योग्यताओं को निखारा जाता है, इस प्रकार उनकी जो एक तरह से विशेषता है उनको और बढ़ावा दिया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, 17वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण और ऊपर लिखित सभी। तो साथियों, जो स्वलीनता होती है, स्वलीनता में व्यक्ति अपना जो व्यवहार है सामाजिक, वो अच्छी तरह से नहीं कर सकता, मतलब कमजोर उसका सामाजिक व्यवहार रहता है, रूढ़िबद्ध व्यवहार उसका रहता है, कमजोर संप्रेषण होता है, अच्छी तरह से दूसरों को अपनी बात को नहीं समझा जा सकता, नहीं समझा सकता, ठीक है। तो ये सभी जो लिखित है, ये सभी ही किसके लक्षण है? स्वलीनता के लक्षण है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन पाएंगे, तो आपके प्रश्न संख्या 18, इनमें से कौन सा पाठ्यचर्या 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ज्ञान का स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना और बच्चों को चहुंमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखो, एनसीएफ 2005 कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, बच्चों के चहुंमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाए, लेकिन अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये एनसीएफ 2005 नहीं कहता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, 19वां प्रश्न, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है, स्वतंत्रता बनाम शर्म, परिश्रम बनाम हीनता, पहल बनाम अपराध बोध, सामाजिकता बनाम स्वतंत्रता। तो देखो, इनमें से मनोसामाजिक विकास की जो 8 अवस्थाएं हैं, इनमें 3 अवस्थाओं का उल्लेख तो यहाँ सही किया गया है, लेकिन एक अवस्था का उल्लेख गलत कर दिया है, तो उस गलत का ही चयन कीजिएगा। 19वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है साथियों, मनोसामाजिक विकास की अवस्था सामाजिकता बनाम स्वतंत्रता, ऐसी कोई अवस्था एरिक एरिक्सन के द्वारा नहीं बताई गई है।
पहल बनाम अपराध बोध बताई है, परिश्रम बनाम हीनता बताई है, स्वतंत्रता बनाम शर्म बताई है। तो आपके विकल्प नंबर 4 सही है 19वें प्रश्न में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 20 को। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 है आपके, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक और सीसीई। देखो मूल्यांकन के प्रकारों के अंतर्गत सीसीई ये भी एक मूल्यांकन का प्रकार है, निर्माणात्मक और योगात्मक ये सीसीई के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन मानक, मानकता तो क्या है, एक मूल्यांकन की विशेषता है साथियों, क्या है, मूल्यांकन की विशेषता है, ये कोई मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। इसलिए आपके फिर हम कौन सा विकल्प सही करेंगे, प्रथम विकल्प 20वें पृष्ठ में सही करेंगे और यही आपका सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। आपके 21वां प्रश्न है मित्रों, आरटी 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात होगा 30, 40, 45 और 50। देखो अगर छात्रों की संख्या 200 से अधिक है कक्षा 1 से 5 तक, तो वहाँ पर जो शिक्षक और छात्र जो अनुपात होता है तो प्रत्येक 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होता है साथियों, कितने, 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होता है जब विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो, ठीक है। तो इसलिए आपके 40 वाला जो दूसरा विकल्प है प्रश्न 21 में आरटी 2009 से संबंधित बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं 22वें प्रश्न को मित्रों, आपके 22वां क्वेश्चन ये देखिएगा 22वें प्रश्न को। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, लड़के लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना और सभी छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। तो देखो समावेशन का अर्थ इनमें से किससे लिया जाएगा, बताइएगा 22वें क्वेश्चन में सही आंसर कौन सा रहेगा। तो समावेशन का मतलब होता है सभी छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना, यह होता है समावेशन, मतलब समावेशी शिक्षा में भेद बिना किसी भेदभाव के सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के। फोर्थ विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। 23वां क्वेश्चन देख लेंगे, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव और इनमें से सभी। प्राथमिक विद्यालयों की बात की जा रही है मतलब बच्चे भी छोटे हैं, तो वहां पर प्रदर्शन करने से वो देखेंगे कुछ कर तो रहे ही नहीं, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वीडियो अनुरूपण, वीडियो चलाओगे आप बिल्कुल रुचि तो रहेगी उसमें भी, देखेंगे सीखेंगे भी, लेकिन साथियों यहाँ जो तीसरा विकल्प है स्वयं द्वारा किया गया अनुभव, इसको हम सबसे बेहतर मानते हैं क्योंकि बालक अगर खुद करके किसी चीज़ का अनुभव करके सीखता है तो छोटा बालक भी उस चीज़ को बहुत ही जल्द सीखेगा, इसीलिए तो मूर्त चीज़ों के माध्यम से छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो चलिए 24वां क्वेश्चन ये देखिएगा प्रश्न नंबर 24 को, आगमनात्मक तर्कना के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना। तर्कना का नया टॉपिक जुड़ा है आपके, तो उसमें एक आती है आगमनात्मक तर्कना और एक आती है निगमनात्मक तर्कना। तो साथियों आगमनात्मक जो तर्कना होती है उसके अंतर्गत हम अवलोकन करते हैं, प्रयोग करते हैं, सामान्यीकरण कहते हैं, लेकिन कल्पना का जो भाग है वो आगमनात्मक तर्कना के अंतर्गत नहीं आता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है और शिक्षण अन्वेषण है। तो देखो शिक्षण के बारे में जो सत्य कथन नहीं है वो रहेगा साथियों, देखते हैं कि एक विकल्प को, सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है ये तो सत्य है, औपचारिक भी होता है अनौपचारिक भी होता है, विद्यालय में औपचारिक होता है बाहर अनौपचारिक होता है, विज्ञान के साथ साथ ये कला भी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये अन्वेषण है, शिक्षण को अन्वेषण नहीं कहना जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 4 है वो 25 में सही रहेगा।
तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं, 26वां क्वेश्चन। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान है यहाँ पर है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम या 70 से ऊपर, इन दोनों में से एक रहेगा, 80-100 के बीच को आप मानसिक न्यूनता में नहीं रख सकते हो, क्योंकि 100 तो सामान्य हो जाता है, तो ये तो आपका राइट आंसर नहीं रहेगा। इनमें से कोई भी नहीं, ये भी नहीं रहेगा। साथियों 70 से ऊपर में तो बता नहीं सकते, ऊपर मतलब कितनी भी हो सकती है, तो ये भी नहीं। 70 से कम जिनकी आई क्यू होती है, लगभग उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो प्रथम विकल्प 26 में राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं, 27वां प्रश्न। समायोजन की प्रक्षेपी विधि किस विकल्प में है? राधा मंच पर नृत्य करती है, मोहन सोहन को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है, राम रीट के पेपर में फेल हो जाता है, ऐसा नहीं हो किसी के साथ, सोहन के नंबर कम आने पर कहना कि अध्यापकों ने नहीं पढ़ाया था। तो ये 4 विकल्प है, प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि। साथियों इसके अंतर्गत देखो, यहाँ पर जो सही आंसर है, ये जो 3 विकल्प है, तीसरा दूसरा पहला, इसमें तो कोई समायोजन की बात ही नहीं की जा रही है। ओनली 4th विकल्प में सोहन के नंबर कम आने पर कहना कि अध्यापकों ने नहीं पढ़ाया था, ये प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आती है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है वो सही है 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आएंगे, 28वां प्रश्न। किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण निम्न है, काम शक्ति का उदय होना, समस्याओं का उदय होना, नेतृत्व की भावना उत्पन्न होना और अंतरंग मित्र समूह बनाना। देखो किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण इनमें से क्या है, 28वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करो। राइट आंसर देख लेते हैं। अगर आप नेतृत्व की भावना उत्पन्न होना, वैसे चारों ही चीज़ें हो सकती है, बट राइट आंसर इसका रहेगा साथियों समस्याओं का उदय होना। सेकंड विकल्प में यहाँ पर सही करूँगा, क्यों? क्योंकि समस्याओं का उदय होना इसका एक परिचायक होता है, काम शक्ति का उदय होना उतना, हाँ बिल्कुल उदय होती है, आप पहले विकल्प पे भी जा सकते थे, लेकिन राइट आंसर यहाँ पर साथियों सेकंड विकल्प को ही माना जाता है, हर बार ही एग्जाम में भी सही माना जाएगा। अगर एग्जाम में आप ये क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल सेकंड विकल्प कर सकते हो, नो टेंशन होके, बिल्कुल सही रहेगा वो, है ना। काम शक्ति का उदय होना इसका एक पार्ट है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर अब मैं जाऊँगा सेकंड विकल्प पर। तो नेक्स्ट 29 जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। तो 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क और समस्या। तो चिंतन, हम किसी भी चीज़ के प्रति चिंतन करते हैं तो उसके लिए आवश्यक होती है समस्या, क्योंकि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तभी हम चिंतन करते हैं भाई यार इसका हल कैसे निकाला जाए। इसलिए आपके विकल्प नंबर जो 4 है 29वें क्वेश्चन में वो आपके सही आंसर है। तो चलिए आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो क्या क्या करना है, एक तो लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है या फिर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन साथ में ये भी कमेंट करें कि भाई 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए और वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के अंतिम और 30वें प्रश्न को। NCF 2005 बल देता है, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर और इनमें से सभी। तो मित्रों NCF 2005 कहता है कि रटने पर ध्यान हमें नहीं देना है, रटन प्रणाली पर रोक लगानी है, इसलिए ये तो गलत है, ये गलत है, तो उपरोक्त सभी भी गलत है। अब तीसरा या पहला, तो राइट आंसर है NCF 2005, करके सीखने पर बल देता है। किस पर? करके सीखने पर। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों, प्रश्न 30।